आरकेपुरम के एकता बिहार में जहरीली गैस फैलने से दहशत, दर्जनों लोगों के बेहोश होने की खबर। हजारों लोग दहशत से घरों से बाहर, सड़कों पर फायर की दो गाड़ी और कई एम्बुलेंस मौके पर, भारी पुलिस बल भी मौजूद। आरकेपुरम के एकता बिहार में उस समय दहशत फैल गई जब किसी ने यह अफवाह फैला दी कि बगल के सीआरपीएफ कैंप या एनएसजी कैंप से जहरीली गैस छोड़ी गई है, जिसके बाद यहां अफरा तफड़ी मच गई। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत आने लगी। लोग अपने अपने घरों में बदहवास होकर बाहर सड़कों पर आकर खड़े हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यहाँ के लोगों ने बताया कि जहरीली गैस से कई लोग बेहोश हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर समाजसेवी महिपाल गौतम पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को मास्क वितरण किया ताकि जहरीली गैस से लोगों को सांस लेने में दिक्कत ना हो। फिर उन्होंने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही तुरंत स्थानीय थाने के SHO अपने दलबल के साथ पहुंच गए। कोई हादसा ना हो इसके लिए दो फायर की गाड़ियां और लगभग 6 एम्बुलेंस भी पहुंच गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर CRPF और NSG कैंप में जाकर जांच की, लेकिन वहां से कोई गैस लीक होने की बात से इनकार कर दिया गया। यह घटना रात लगभग 9 बजे की है। उस समय लोग खाना खाकर सोने की तैयारियों में थे, लेकिन इस घटना के बाद लोग दहशत में हैं और बाहर सड़कों पर ही जमे हुए हैं। पुलिस अभी भी जांच में जुटी हुई है कि आखिर ये गैस लीक कहां से हुई है। क्या लोगों में दहशत फैली हुई? दहशत यहाँ पे अभी ये हो गया था कि आज दिनांक 24 तारीख को तकरीबन 9 बजे के करीब यहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मची। तो जैसे ही मैं मौके वारदात पर पहुँचा तो मुझे पता लगा, जैसे ही मैं पहुँचा तो मेरे गले में मेरे जो साथी मेरे साथ पहुँचे तो हमारे गले में एकदम से जहरीली गैस का अटैक हुआ। आंखों में जहरीली गैस अटैक हुआ, आंखों में, गले में जहरीली। लोग बाग काफ़ी परेशान हो गए, पूरी कॉलोनी में हवा तड़े मच गई है, हुआ क्या अचानक से। तो हमारे पीछे एक NSG कैंप और एक CRP कैंप है। तो हमारे सभी साथियों को, हमारे कॉलोनी वासियों का ये मानना है कि जहरीली गैस है जो वहीं से लीक हुई है, जिसके चलते मैंने एक कमांडेंट से बात भी करी थी, उनका जो सिपाही था, कि मैंने कहा आपके यहाँ से कोई जहरीली गैस छुटी है। तो उनमें से एक ने मुझे ये भी कहा था कि 5 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। फिर मैंने बोला हुआ क्या है, तो फिर वो बात को दबाते हुए बोला कि मुझे नहीं पता, पीछे से आ रही है CRP कैंप से। तो मैंने जाकर CRP कैंप में पीछे पता गया, CRP कैंप बोला हमारे यहाँ से तो कोई नहीं है हमारे से, लेकिन जो मेरा मानना है, हमारे लोगों का मानना है कि NSG कैंप से ही शायद कोई गैस लीक हुई है, जिसके चलते वो गैस काफ़ी जहरीली थी, जो सारे लोगों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही। तकरीबन 40-50 लोग हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं, अभी भी गैस आँखों में, इतने बच्चों को, इन सबके बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रही है, आँख जल रहे, गले में जलन हो रही है, बहुत बुरी तरीके से अटैक हो रहा है उस गैस का। अभी कुछ कंट्रोल लग रहा है? हाँ, अभी कंट्रोल लग रहा है, क्योंकि जब से थोड़ा सा हवा चली है, लोगों को हमने जल्दी से जल्दी हो सका, 5-6 हज़ार लोगों की कॉलोनी, जितने लोगों रोड पर ला सके हमने कहा जल्दी खुले में जाओ, आप आंखों पे पानी मारो। सभी लोगों को जल्द से जल्द आंखों पे पानी मरवाया, सभी लोगों को कॉलोनी में खुले में लेकर आए, और बीमार जो लोग, दमे के पेशेंट है जो लोग, सबको हॉस्पिटल भेज दिया गया है, बच्चे हैं सबको अंदर कवर कर लिया गया है। ठीक, क्या आपको पता लगा और क्या यहाँ पे देखा आपने? मेरे को अभी आधा घंटे करीब, 1.5 घंटे के करीब फ़ोन आया कि एकता बिहार में ऐसे ऐसे हो गया, और मैं यहाँ सक्रिय हूँ, काफ़ी लोगों से मिलता जुलता हूँ, तो मैं एकदम यहाँ आके देखा मैंने मौके पे, तो ये पीछे की साइड से कहीं गैस लीक हुई है, ये तो सही है। कई लोग हमारे बेहोश भी हुए हैं, फिर एम्बुलेंस वगैरह आई है और जल्दी जल्दी उन्हें हॉस्पिटल भेजा है। लेकिन आज के टाइम पर ये है कि पुलिस का अच्छा रोल रहा है, मैडम SHO हैं अल्पना शर्मा, जो मेरे सबसे पहले मौके पर पहुँची और खुद अंदर जाके भी घूमी है। आज पुलिस का, एम्बुलेंस का मुझे ठीक रोल लग रहा है, मतलब टाइम पे ही सारी कार्रवाई होगी। यहाँ पे क्या दिक्कतें हो रही हैं लोगों को? क्या अभी क्या हुआ कि आधा 1.5 घंटे पहले ये कह रहे हैं इस गली में से गैस आई है। अच्छा। और ये वाली जो गली आप देख रहे हो सामने, पूरी गली में गैस थी, और कम से कम नहीं तो 10-12 लोग बेहोश हो गए, और जब मैं पहुँचा तो मेरी आँखों में भी जलन थी। अच्छा, महसूस हुआ कि जलन है। जी। तो वो लोग कह रहे हैं कि पीछे से आई है। अब ये तो पुलिस कर रही है तहकीकात वगैरह, तो पुलिस का काम है कहाँ से क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। ये अभी जो लोग घायल हुए, मैंने बेहोश जो हुए, हाँ अभी मेडिकल गए हुए हैं, हॉस्पिटल गए हुए हैं, लेकिन अभी उनकी कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। लड़के गए हुए देखने के लिए, साथ में एम्बुलेंस में भेजा है उन्होंने। जी। आप यहाँ के पुराने समाज से भी जी, इस तरह की जो घटना हुई है, क्या कहेंगे कि किसकी कुछ लापरवाही? देखो अब ये तो किसी की भी लापरवाही तो है, ये तो कैजुअलिटी हो ही सकती है, कुछ भी हो सकता है। आप देख ही रहे हो यहाँ पर लोगों का हजूम देख रहे हो, कल को कोई बात हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? मैं तो पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके तरीके से तहकीकात करके, पता करके, और ये जहाँ से भी गलती हुई है ये आगे से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि बच्चे रोड पे आप देख रहे हो कितने बच्चे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे और लेडीज़ बाहर ज़्यादा हैं, जरा सी लापरवाही में कुछ भी हो सकता था। तो मैं तो ये पुलिस से भी आपके माध्यम के द्वारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको अच्छी तरीके से तहकीकात करके कहाँ से गैस हुई है, क्या हो, जो आगे से ऐसी कार्रवाई ना हो। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।